हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्ट डेलिकेसी। आज बनाएंगे आलू का हलवा, जिसे आप व्रत में खा सकते हैं। व्रत स्पेशल आलू के हलवे की रेसिपी को आप एंड तक देखिए। 5 मीडियम साइज के आलू ले लिए हैं। इसे मैंने बॉईल कर लिया है, उसके बाद छील लिया है। इसे अब हम ग्रेट कर लेंगे। गरम पैन में ऐड कर देंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी। इसमें ऐड कर देंगे ग्रेटेड बॉइल्ड पोटैटोस को। फ्राई करेंगे। आलू को फ्राई करते टाइम थोड़ा सा स्पैटुला से दबा देना है, जिससे कोई लम्स ना रहे। 4 से 5 मिनट तक आलू को फ्राई करना है। हाई फ्लेम पे मैंने फ्राई किया है 5 मिनट्स। पोटैटोस का कलर चेंज होने लगा है। अब इसमें हम डाल देंगे 3/4 कप शुगर। अच्छे से मिक्स करेंगे, शुगर के मेल्ट होने तक कुक करेंगे। शुगर अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए, शुगर मेल्ट हो गया है, वाटर रिलीज हो गया है। अभी इसको और थोड़ा सा हाई फ्लेम पर कुक करेंगे। इसमें अभी ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट्स को। मैंने 8 किशमिश लिया है, 4 काजू को लंबे टुकड़ों में काट लिया है, 4 पिस्ता है लंबे टुकड़ों में काटा है, और 4 बादाम है, इसको भी मैंने पतले लंबे टुकड़ों में काटा है। इसे डाल देंगे हाई फ्लेम पर, ड्राई होने तक कुक करेंगे। थ्री मिनट्स तक और कुक कर लिया है। अब इसमें डाल दूंगी 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लूंगी। आलू का हलवा बनकर तैयार है। गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी। ऊपर से डाल दूंगी 1/2 छोटी चम्मच देसी घी। अच्छे से मिक्स करके प्लेटिंग कर दूंगी। आलू के हलवे को गार्निश कर दूंगी थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट से। व्रत के दिनों में आप भी खाइए आलू का हलवा, बहुत टेस्टी होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।